जगदलपुर की बात करेंगे। झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। झीरम के शहीदों को सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। शहीदों के परिजनों से भी मिले हैं मुख्यमंत्री। परिजनों से मिलने के दौरान सीएम भावुक हो गए। सीएम बघेल का आंसू छलका। आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? झीरम कांड में गणपति और रमन्ना की मुख्य भूमिका रही। बड़े नेताओं को मारना ही नक्सलियों का मुख्य मकसद था। एनआईए ने जांच पूरी नहीं की। कौन है अपराधी पता नहीं किया गया है। किसके कहने पर नक्सलियों के काम नाम जो है हटाए गए। शहीदों के परिजन पूछ रहे न्याय आखिर कब मिलेगा। बड़े नक्सलियों को एनआईए ने क्यों नहीं पकड़ा। षड्यंत्र करने वालों को क्यों बचा रही है बीजेपी। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी। केंद्र में जब सरकार बनेगी सच लाया जाएगा बाहर। जब भी 25 मई आता है हम सब का दिल भर जाता है। वो घटना सबके नजरों के सामने, जो लोग उस घटना के में बच गए थे, जिन्होंने अपने आंखों से अपने लोगों को गिरते देखा, वो सब हम लोगों को बताते रहे। एनआईए ने प्राथमिकी दर्ज की। उस प्राथमिकी में गणपति का भी नाम था, रमन्ना का भी नाम था, क्योंकि नक्सली पूछ पूछ के नहीं मारते, लेकिन उस दिन सबको पूछ पूछ के, जैसे नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल और महेंद्र कर्मा उनके हाथ लगे, उसके बाद धरपकड़, मारपीट या हत्या करना उन्होंने बंद कर दिया था। उनका उद्देश्य केवल 3-4 व्यक्तियों के लिए था। उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब ही है कि वो नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा को रोकना चाहते थे। जैसे पकड़ में आए उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया।